हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेसु ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग क्लास 8 का वाओ मैथ्स बुक एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, बोलता है थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। थ्री नंबर्स है, कितने नंबर्स है, थ्री, और तीनों जो है वो रेशियो में है 1:2:3 के। फिर बोल रहा है द सम ऑफ देयर क्यूब इज 79092। फिर जो उनके क्यूब का सम है, यानी कि जब उनका क्यूब करके ऐड करते हैं तो वो हमारा 79092 आता है। तो फाइंड द नंबर्स, तो वो कौन से नंबर हैं जो कि 1:2:3 के रेशियो में हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, गिवेन थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज इक्वल टू 79092। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, वो नंबर। तो हम लोग मानेंगे लेट द रेशियोज ऑफ नंबर बी 1x:2x:3x। ठीक है, उन नंबर को क्या मान लिए हम, x के फॉर्म में मान लिए, उनके पहले मान लेंगे लेट द नंबर बी x, ये भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, लेट द नंबर बी रेशियो ना करके लेट द नंबर बी x, सो दे आर रेशियो विल बी 1x:2x:3x। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या पहले वाला लाइन जो सिंपल एक लाइन था वो भी कर सकते हैं। तो अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या कह रहा है, जो नंबर थे वो हमारे नंबर क्या थे, ये थे। ठीक है, तो इनका अगर हम लोग क्यूब करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वही मान लेते हैं आफ्टर क्यूबिंग, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था 1x³ + 2x³। जनरली जान लीजिए जो 1x है हम लोग 1 नहीं लिखते, सिर्फ x ही लिखेंगे, लेकिन आप लोग समझने के लिए 1 लिख दिया था, सिर्फ आप लोग x लिखिएगा। ठीक है, तो x³ + 2x³ + 3x³। तीनों नंबर का सम जो है वो हमारा आता है कितना, 79092। ठीक है, तो इनका सम इतना के इक्वल आ रहा है, तो अब इन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x³ + 2³ कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा x³ + ये हो जाएगा 3×9=27x³=79092। अब इन्हें ऐड करते हैं, तो 27 और 3 हो जाएगा 30, और 5 35, और इसके आगे 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 36x³=79092। 36 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x³ = हो जाएगा 79092/36। इससे इसको कटा देंगे तो कितना बनेंगे, 36 दुनी 72, फिर 1 बच जाएगा, फिर 9, और ये फिर 36×7 करेंगे 192। ठीक है, तो आएगा हमारा 2197। तो x³ आया 2197। तो हमें x का क्यूब निकालना है, नंबर निकालना है ना, इधर क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, क्यूब रूट आएगा हमारा। तो x = √ 2197, जो कि हमारा इक्वल होगा 13×13×13 के। तो x = हमारा आ जाएगा यहाँ से 13। ठीक है, तो सिर्फ एक नंबर हम x निकाले हैं, ठीक, हमें क्या निकालना है, तीनों नंबर निकालना है। तो फर्स्ट नंबर x, दूसरा नंबर था 2x, उसको लिए थे, तो 13×2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 26। यहाँ पे लिख लीजिए, इसलिए नंबर आर, वो कौन कौन से नंबर है, फिर था हमारा 3x = 13×3 = 39 आंसर। ठीक है,
और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपको बोला है कि 75 पेज नंबर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपका क्यूब, क्यूब रूट उसका सब दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको क्यूब रूट देख के डायरेक्ट उसका आंसर लिखना है, तो उसे आप लोग खुद बुक में देख के अपने सॉल्व कर लीजिएगा। ओके।